बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का साल करते हैं, जो 12 क्लास मैथ्स न्यू कोर्स का आखिरी एक्सरसाइज है। और ये हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। और ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन इस तरह, सी और डी ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। इसमें ए हमारे साथ है सिक्स, बी हमारे साथ है फाइव और सी हमारे साथ है माइनस सिक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स की वैल्यू मालूम कर लें, तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन है इसका। तो अगर ये हम यहाँ पुट कर लें और एक्स की वैल्यू मालूम कर लें, तो सोल्यूशन हमारे साथ आएगा एक्स की दो वैल्यू, टू बाई थ्री और माइनस थ्री बाई टू। नंबर टू है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, अगर एफ ऑफ एक्स जीरो हो, मतलब एक्स पावर माइनस टू प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, मतलब ये हम इस तरह लिख सकते हैं, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब इसका आसान तरीका यह है कि हमें ए बी सी डी चार वैल्यू गिवन है, इसको बारी बार इस इक्वेशन में पुट कर ले, जिससे जीरो आता है वो उसके रूट होंगे। ठीक है, तो अगर आप सी इसमें ट्राई कर ले, सी वैल्यू। ठीक है, आसान तरीका इसका यह है कि इस बारी बारी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो अगर हम एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर ले तो इसका आंसर जीरो आता है। इसका मतलब यह है कि सी एक्स की आंसर या इसका एक्स का रूट हमारे साथ सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री है, न्यूटन रैप्सन मेथड मेथड इज आल्सो नोन एज। तो इसके चार ऑप्शन हैं और इसका दूसरा नाम पार्ट ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, जिसको टेंजेंट मेथड, मतलब कि न्यूटन रैप्सन मेथड का दूसरा नाम है टेंजेंट मेथड। इसमें और ऑप्शन भी है, सेकंड मेथड, डायमीटर मेथड, कार्ड मेथड, लेकिन सही आंसर इसका है टेंजेंट मेथड। नंबर फोर है, एफ द फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी, मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी, ये फंक्शन वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए है और एक्स इज इक्वल टू सी पे एफ ऑफ सी है। हैव द अपोजिट साइन, हैव द अपोजिट साइन, हैव द अपोजिट साइन, देन द रूट्स लाई, देन द रूट्स लाई द इंटरवल, अब मुख्तलिफ इंटरवल है, ए बी है ऑप्शन नंबर ए में, ए बी है ऑप्शन नंबर बी में, ए सी है इस तरह, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ये बाईसेक्शन मेथड में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे साथ जब x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू सी पी अपोजिट साइन हो, तो हमारे साथ ए सी में x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए और सी, जिसमें दोनों अपोजिट साइन है, तो रूट उसमें होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और ये मैंने बाईसेक्शन मेथड मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, डिटेल से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नंबर फाइव है, एफ दि, ये नंबर फाइव था जो मैंने यहाँ पे कर दिया, ये नंबर फाइव है था। और नंबर फोर है, नंबर फोर हमारे साथ न्यूटन रैप्सन फार्मूला है, न्यूटन रैप्सन फार्मूला हमारे साथ, इसकी ए ऑप्शन है, बी है, सी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन सी है। और फार्मूला हमारे साथ है एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइड बाई एफ प्राइम, इस सिंपल है, सिर्फ फार्मूला है। और ये न्यूटन रैप्सन मेथड मैंने डिटेल से थ्योरी में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर फाइव मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। नंबर सिक्स है, द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल एट,
द न्यूटन रैफसन मेथड फेल एट नंबर ए स्टेशनरी पॉइंट, नंबर बी प्लॉटिंग पॉइंट, नंबर सी कंटिन्यूस पॉइंट और नंबर डी है नन ऑफ डीज। तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि न्यूटन रैफसन मेथड कंटिन्यूस और प्लॉटिंग पॉइंट के लिए है, स्टेशनरी के लिए नहीं है। तो स्टेशनरी के लिए क्या होता है, ये फेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ न्यूटन रैफसन मेथड कंटिन्यूस पॉइंट के लिए है, तो स्टेशनरी पॉइंट पे ये फेल होता है। नंबर सेवन है द पॉजिटिव रूट फॉर थ्री टी माइनस कॉस टी माइनस वन बाई रेगुला फॉल्सी मेथड। तो इसके ऑप्शन है 0.507, नंबर बी 0.670, नंबर सी 0.570, नंबर डी है 0.607। तो रेगुला फॉल्सी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और सिंपली आप रूट्स भी यहाँ पे ये भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिससे जीरो आंसर आता है वो सही होगा। तो बुक में ये आंसर है 0.607, लेकिन सही आंसर मुझे ये लगता है बी। ठीक है, तो आप इसको रेगुलर फॉल्सी मेथड जो ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज में एक्सप्लेन की उस पर भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली ये रूट यहाँ पुट करके जीरो जिस पे आंसर आता है वो उसका आंसर होगा। नंबर एट है मेबल कमांड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। तो कमांड मेपल सॉफ्टवेयर हमने इसमें नहीं किया है क्योंकि पेपर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कमांड है एफ सॉल सॉफ्टवेयर है, एफ सॉल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जी, इसका कमांड है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी, ए में भी एक कमांड है, सी में भी है और डी में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह नंबर नाइन है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन ओवर टू इज इक्वल टू जीरो, और यूज़ करना है बाइसेक्शन मेथड और इंटरवल गिवन है एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन टू, और बाइसेक्शन मेथड यूज़ करके इसके रूट्स मालूम करना है। ठीक है, और हमें ये इंटरवल गिवन है, तो इसका तरीका क्या है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बाइसेक्शन मेथड का तरीका ये है कि आप वो दो रूट मालूम कर लें जिसमें दोनों के साइन अपोजिट हो, मतलब यहाँ पे वन पुट कर लें फिर यहाँ पे टू पुट कर लें। तो अगर वन और टू पे हमारे साथ अपोजिट साइन आते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ पे वन पुट किया और पॉजिटिव आ गया, मैंने अगर टू पुट किया और निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि रूट हमारे साथ वन और टू में है। फिर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, वन प्लस टू डिवाइड बाई टू, तो इससे आता है 1.5। तो फिर हम 1.5 पुट करेंगे, तो 1.5 का इस दोनों में जिससे अपोजिट साइन आता है वो हम लेंगे 1.5। तो इसी तरीके से हम रूट मालूम करेंगे। तो अगर इसको हम बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 1.49। इस तरह डी भी एक ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1.49 यहाँ पुट कर लें, या 1.88 1.4 जिस पे जीरो आता है तो उसका सही आंसर होगा। और आखिरी पार्ट नंबर 10 है द बाइसेक्शन मेथड आल्सो नोन एज बाइसेक्शन मेथड का दूसरा नाम। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, न्यूटन मेथड, बाइनरी चोपिंग मेथड, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, बाइनरी चोपिंग मेथड। तो ये इसका मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड का दूसरा नाम बाइनरी चोपिंग मेथड है। ठीक है, तो इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हो गया और 12 क्लास मैथ्स का न्यू कोर्स पूरा हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।